खर्चे कम करें और इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा करें क्योंकि इस एज पे हमारा डिमांड भी बढ़ जाता है हमें शौक आ जाता है कुछ कुछ चीजों पे खर्चे करने का तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा कि आप जितना पैसा बचा सको और जितना पैसा उसको इन्वेस्ट कर सको दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो पॉइंट नंबर वन स्टार्ट सेविंग मनी एज अर्ली एज पॉसिबल राइट आई एम नॉट आस्किंग यू टू मेक सेक्रीफाइसेज आई एम आस्किंग यू टू लिव अ गुड लाइफ बट एट स्टिल हाउ एवर आप जी रहे हो जैसे भी आप खर्चा कर रहे हो आप अपना खर्चा कम करके या कहीं पे आप जो फिजूल का खर्चा हो रहा है उसको बचा के स्टार्ट सेविंग मनी पॉइंट नंबर टू स्टॉप स्पेंडिंग मनी और ऑन डेप्रिसिएटिंग एसेट्स लाइक बाइक्स एंड कार्स उस एज में अगर आपको आपके पास गाड़ी या बाइक नहीं है या आपको चाहिए आपको जरूरत है तो आप सेकेंड हैंड ऑप्शन यूज कर सकते हो दीज आर डेप्रिसिएटिंग एसेट्स इस पर ज़्यादा खर्चा करके उस एज में फ़ायदा नहीं है You want to get into luxury luxury expenses, grow up, you know, make money and then pay for them. Point number three. Stay away from debt. Stay away from EMI. Stay away, away from loans as much as possible. nahi hai. Invest in your health insurance, which is very important. Health is यू you नो know, हम जब कमाने लगते हैं तभी भी हम एक इमरजेंसी फंड हमेशा एक हेल्थ के लिए रखते हैं तो हेल्थ के, के लिए आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है और हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा जब आप बड़े हो जाओगे जब आप और कमाने लगोगे जब आप प्रॉपर इनकम स्ट्रीम पे आ जाओगे तब आपके पास एक इमरजेंसी हेल्थ फंड भी होना बहुत जरूरी है देन आफ्टर दैट स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट शुरू कीजिए इसके बारे में हमने एक वीडियो निकाला था कि हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल मार्केट्स एट एन एज ऑफ ट्वेंटी सो प्लीज़ आप उसको जाके देखो एंड सीखो एंड इन्वेस्ट करो यू कैन गेट ऑल द नॉलेज फ्रॉम दीज वीडियोज बट अनलेस यू एग्जीक्यूट इसका कोई काम नहीं है मैनेज योर एसेट्स एंड पोर्टफोलियोज इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट कि आप एक एक्सेल शीट बनाओ जिसमें आपका एसेट्स आपके इनकम आपका एक्सपेंडिचर ये एक प्रॉपर वे में लिखा हो अगर नहीं है तो आप अभी जाओ और इसको करो बनाओ और इसके ऊपर पूरा अच्छे से अपना स्टडी करो इससे क्या होता है माइंड में क्लैरिटी होता है कि आपका एक्चुअल एक्सपेंस है क्या कहां पे आप सेव कर पाओ कर पा रहे हो और कहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका क्या हो रहा है और सो ऑलवेज मैनेज योर एसेट्स एंड पोर्टफोलियोज फ्रॉम एन अर्ली एज देन गेट इन टू अ हैबिट ऑफ बजटिंग आपके पास फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम है चाहे वो पॉकेट मनी हो एट एन एज ऑफ ट्वेंटी इफ़ यू आर मेकिंग मनी फेयर नफ इफ यूर इफ़ यू आर रिलाइंग ऑन पॉकेट मनी विच इज़ ऑल्सो फेयर ऑफ जो भी है आपका सोर्स ऑफ इनकम आप उसको बजटिंग करना शुरू कर दो मेरा इनफ्लो इतना है मेरा आउटफ्लो इतना है मेरा आउटफ्लो किस किस चीज़ों में जा रहा है हो सकेगा तो हम इस पर भी एक वीडियो बना लेंगे लेकिन ये करना ज़रूरी है सो वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट अगेन आपके पास क्लैरिटी होगा कि किस तरीके से आप अपने फाइनेसिस को मैनेज कर रहे हो फाइनेंशियल कॉन्शियस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट पॉइंट हियर इज दैट स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर सेल्फ अगर आप अपने ऊपर खर्चा नहीं कर रहे हो एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाके गुची और मानी का बैग खरीदो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप अपने आप को अपस्किल करने में अपने आप को बेहतर बनाने में अपने आप को मोर क्रिएटिव मोर कम्युनिकेटिव एंड मच मोर एम्प्लॉयबल नहीं बना रहे हैं तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज इन दिस जनरेशन वेयर लर्निंग फ्रॉम एनी वन एनी वेयर ग्लोबली बाय सिटिंग एट योर ओन होम इज पॉसिबल एंड इफ यू आर स्टिल नॉट डूइंग इट एट इज जस्ट अनफॉर्चुनेट तो ये करना बहुत जरूरी है आप अगर आपको खर्चा करना है अगर आपको uh, अपने आप को बेटर बनाना है सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ मेरे डैड हमेशा कहते हैं कि अगर आपको अपस्किल करना है आपको इम्प्रूव करना है आपको बुक्स पढ़ने हैं आपको अपने बिजनेस के लिए कोई रिसोर्स चाहिए और उस पर कुछ पैसे लग रहे हैं नेवर स्टॉप डूइंग दैट अपस्किलिंग योर सेल्फ इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ इज द बिगेस्ट थिंग बिगेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिफ्ट टू योर सेल्फ ऑन स्पेशल ओकेजन और एनी ओकेजन मैं हर साल कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ टू अपस्किल माई सेल्फ बी इट अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बी बी इट अ क्रिएटिव कैमरा और फोटोग्राफी वर्कशॉप एनी थिंग बट वो आप हॉबी की तरह लो या वो आपको अपने करियर में हेल्प करता है वो आपकी मर्जी लेकिन आपको करना जरूरी है राइट सो दीज आर द पॉइंट दैट वी शेयर फॉर फाइनेंशियल कॉन्शियसनेस एंड बिलीव मी इफ यू डू फॉलो दिस यू विल एट एन अर्ली एज स्पेश You'll realize that you save a lot of money, and that money will go into your investments, as discussed in the last video, and that will help you to grow a very, very good portfolio in future. All right, keep listening to this series, guys. We're coming up with great videos. Until the next video, take care. Have a great week. Have a great month. Have a great year. I'll see you soon. Bye bye.